हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने एक धार्मिक डेरे से संबंधित टिप्पणी के मद्देनजर धार्मिक भावनाएं आहत होने पर खेद प्रकट किया है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि कांग्रेस ने कट वेस्ट का दुष्प्रचार किया है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा डेरा ब्यास के अनुयायियों और राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी के बाद हिमाचल में सियासी तूफान सुनामी की रफ्तार से चल रहा है। जहां कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, वहीं बीजेपी इस मुद्दे से पार पाने की कोशिश में लगी हुई है। शायद यही वजह है कि अब सतपाल सत्ती ने धार्मिक डेरे से संबंधित टिप्पणी के मद्देनजर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने इस डेरे की प्रशंसा करते हुए उसके द्वारा प्रदेश में समाज सुधार के कार्य करने की बात कही है। सतपाल सत्ती ने जिला निर्वाचन अधिकारी सोलन द्वारा उनको जारी की गई नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वो मेरी टिप्पणी नहीं थी। उन्होंने इस टिप्पणी को उनके द्वारा जनसभा के दौरान सिर्फ पढ़े जाने का दावा किया है। सत्ती ने इस विषय पर कांग्रेस पर कट एंड पेस्ट क्लिप को प्रचारित किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के लोगों ने एक उठाया है राधा स्वामी सत्संग ब्यास के ढेरे का, लेकिन उसमें जो संदर्भ आया है उस सारी घटना का, उसके कारण मुझे ऐसा लगा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उससे ठेस लगी है। अगर किसी को उसका बुरा लगा हो उस बातचीत के कारण, जबकि उसमें भी कोई मेरा कहना ये नहीं था, लेकिन जो लोगों को समझाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, अगर किसी को ठेस लगी है तो उसमें मैं खेद प्रकट करता हूँ। और जो डेरे की सेंक्टिटी है, जो शुद्धता है, वो हम सब लोगों का यानी जिसको हम कह सकते हैं कि एक फर्ज बन जाता है कि वो बनी रहे। और इस ढेरे के कारण हमारे इस एरिए में, जैसा मैंने परसों भी अपने अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में जिखेड़ा में भी कहा कि अगर ये ढेरा नहीं होता तो शायद जातिवाद आज हमारे एरियों में भी यूपी बिहार की तरह सिर चढ़ करके बोलता। जातिवाद को समाप्त करने के लिए ब्यास डेरा ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जो नशों का प्रकोप समाज के युवाओं में बढ़ रहा है, अगर कहीं कोई इस चीज़ों से बचा पड़ा है तो ऐसे ढेरों की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, पिछले कल लगभग 1 बजे मुझे वहाँ से नोटिस मिला था, और अपने जो डिप्टी कमिश्नर सोलन है उनकी ओर से उसका जवाब उन्होंने के 24 घंटे के अंदर देने को कहा था। आज 12 बजे हम लोगों ने उसका जवाब दे करके जानकारी दे दी है कि जो भी बातें वहाँ पर कही गई है वो किसी के फेसबुक के ऊपर व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों के ऊपर कही गई, ना कि वो मेरी बातें हैं। जबकि ऊना के अम्ब से सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का जवाब कल दिए जाने का दावा किया है। उनका जवाब कल भेज दिया जाएगा। उस जवाब में भी मुझे आज ही जानकारी मिली है, अभी एडवोकेट आएंगे, वो जानकारी देंगे मुझे क्या है। तो उसका भी अगर उसमें मान लो कोई ऐसी गलत बातचीत होगी तो उसको मैं देखूंगा, उसका भी बातचीत करके उसका भी जवाब दे दिया जाएगा।